जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी अवलोकत रह केल सखी सुख के अधिकारी गान कला गंधर्व श्याम श्याम कुतो से उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोसे नृपति द्वार ठाड़े रहे और दर्शन आशा जा सुखी आशुधीर उद्योत करे रसिक छाप श्री हरिदास की ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए का इनके पग वंदन किए नाशे विघ्न अनेक इनके पग वंदन किए नाशे विघ्न अनेक इनके पग वंदन किए नाशे विघ्न अनेक वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय जय श्री राधे।
जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे गौरा की नीलांबर भूषित भूषण ज्योति अगाधे रसिक बिहारिन कृपा निहारिन पीताम्बर आराधे राधे राधे पीताम्बर आराधे राधे राधे पीताम्बर आराधे चरण महा सुखदाई किशोरी जुके चरण महा सुखदाई इनहीं निरख लाल भय प्रीतम करत के मन भाई किशोरी जुके चरण महा सुखदाई किशोरी जुके चरण महा सुखदाई कबहु की सब रस करी आनंद में राखत कंठ लगाई ये ही चरण हमारे मस्तक अब डर करत बलाई किशोरी जुके चरण महा सुखदाई हे करुणामयी करुणामयी हो कृपामयी कृपामयी रे मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे 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 एक बार अयोध्या जाओ दो बार द्वारिका तीन बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे चार बार चित्रकूट नौ बार नासिक में बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे कोट बार काशी केदारनाथ रामेश्वर गया जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग जहाँ केशव के खेल कुंज कोटि कोटि काशी है जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर तरु तरु पे बसे अयोध्या निवासी है तरु तरु पे बसे अयोध्या निवासी है तरु तरु पे बसे अयोध्या निवासी है गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार बद्री केदारनाथ बसे दास दासी है स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर करोगे क्या जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है जो गाजियाबाद वासी है वो दोनों हाथ ऊपर उठाओ बहुत सारे हैं जी जो वृंदावन वासी है वो जरा दोनों हाथ उठाओ अब निर्णय भी आपके हाथ में है
पहले वाला उत्तर सही है कि ये वाला उत्तर सही है? ईमानदारी से बताओ, गाजियाबाद वासियों कि वृंदावन वासियों? हाँ, वृंदावन वासी। जरूरी नहीं कि शरीर जिसका वहां रहता हो वो वृंदावन वासी हो। जी, जिसका शरीर वृंदावन में रहे वो तो वृंदावन वासी कहलाता ही है, लेकिन जिसके वृंदावन, जिसके हृदय में वृंदावन रहे वो भी वृंदावन वासी होता है। और श्री जी से प्रार्थना करना, शरीर का तो अपना अपना प्रारब्ध है, जाने शरीर कहाँ कहाँ ठोकरे खाएगा, लेकिन श्री जी से प्रार्थना करना है, श्री जी ये तन वृंदावन में बसे यह तो आपकी अति कृपा, लेकिन हमारे मन में आपका वृंदावन बस जाए ये आपकी परम परम कृपा। अगर मन की प्रधानता ना होती तो हमारे वृंदावन के संत ये ना कहते, चलो रे मन श्री वृंदावन निहार, रे मन वृंदावन निहार, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। मन की ही बात पक्की है, मन की ही बात सच्ची है। ये हृदय श्री ठाकुर जी का, ये हृदय साक्षात हृदय बिहारी का मंदिर है, जिसके आसन पे हृदय बिहारी विराजते हैं। मंदिर में तो बिहारी जी कुछ समय के लिए मिलते हैं, लेकिन रसिकों के हृदय में तो बिहारी जी अहर्निश निवास करते हैं। इसलिए प्रयास करना, श्री जी से मांग करना है, श्री जी अगर तन बस जाए वृंदावन में तो बड़ी कृपा, लेकिन इतनी कृपा करना हमारे मन में आपका वृंदावन आपका बरसाना बसा रहे तो बात बन जाए। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलो श्री राधे। बाहर गमन का ना मन में विचार उठे, चाहे तो प्रलोभन कोई लाखों करोड़ दे, अंतिम समय में भी धारणा प्रबल मेरी, जन्म जन्मांतर को अटूट प्रेम जोड़ दे, जन्म जन्मांतर को अटूट प्रेम जोड़ दे, जन्म जन्मांतर को अटूट प्रेम जोड़ दे। पीत पटवारों श्याम सन्मुख हमारे आए, लखुटी समेत नेक भ्रकुटी मरोड़ दे, वृंदावन बीच होवे मृत्यु जो हमारी तो, वृंदावन रस कोई मुख में निचोड़ दे, वृंदावन रस कोई मुख में निचोड़ दे, वृंदावन रस कोई मुख में निचोड़ दे। और वृंदावन का रस है श्री किशोरी जी का नाम, वृंदावन का रस है श्री राधा नाम, वृंदावन का रस है श्री हरि नाम, वृंदावन का रस है युगल नाम। बस सतत इस नाम की माला भीतर चलती रहे तो श्री जी की कृपा का अनुभव होता रहता है। जो राधा नाम का भजन करता है उसको श्याम सुंदर का दर्शन ही नहीं, जो श्री जी के नाम का भजन करता है उसको श्याम सुंदर के आलिंगन की प्राप्ति हो जाती है जी। जो राधा नाम का आश्रय ले लेता है, इसलिए दोनों हाथ उठाओ और भाव से पुकारो, राधा 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 करुणा मई हो कृपा मई, कृपा मई रे मेरी दया।
ओ अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, हे अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। ओ चरणों से क्षमा लिपटा लो मुझे, चरणों से क्षमा लिपटा लो मुझे, हे चरणों से राधे लिपटा लो मुझे, मुझे ओ अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। ओ चरणों से राधे लिपटा लो मुझे, चरणों से राधे लिपटा लो मुझे, चरणों से श्यामा लिपटा लो मुझे, लिपटा लो मुझे। ओ अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। बोलो बरसाती बरी की करके राधे छम 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 बोलूं, चरणों से बंद करके राधे छम 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 बोलूं, हे राधे चरणों में बंद करके राधे छम 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 बोलूं, जन्म जन्म के पापों को चरणों से लिपट के धोलूं, जन्म के पापों को चरणों से लिपट कर धो लूं, जन्म जन्म के पापों को चरणों से लिपट कर धो लूं। वो कैसे भी राधे अपना लो मुझे, कैसे भी राधे अपना लो मुझे, कैसे भी श्यामा अपना लो मुझे, कैसे भी श्यामा अपना हे अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। जी से प्रार्थना करना, हम अपनी बात करें, कोई श्री जी के दरबार में श्री जी के श्रृंगार पोशाक को लेकर पहुंचता है जी, कोई श्री जी के दरबार में छप्पन भोग लेकर के पहुंचता है, कोई श्री जी के दरबार में पुष्प बंगले के मनोरथ को लेकर के पहुंचता है, कोई श्री जी के दरबार में कुछ लेकर के पहुंचता है, लेकिन हम अपनी बात करें, ना तो हमारे साधन में बल है, ना ही भक्ति है, ना ही इतनी आराधना कर पाए, ना ही इतनी सेवा सत्यता है, ना ही हृदय में इतना भाव बन पाया, लेकिन हमने सुना कि किशोरी जी के दरबार में जो जीव जैसे पहुंच जाए लाडली सब पर सहज कृपा करती है। हमारे वृंदावन के संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते, भैया बिहारी जी का काम है कृपा करने का, राधा रानी कृपा ही नहीं करती। लोगों ने कहा, बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अगर श्री जी कृपा नहीं करती तो पूरे ब्रजमंडल में क्या पूरे विश्व में राधे राधे नाम की जयघोष, इतना आनंद क्यों है। कहा भैया ये तो अनुभव जिनको हुआ है वो करते हैं राधे राधे, लेकिन अगर कृपा की बात करोगे तो कृपा बिहारी जी करते हैं, किशोरी जी नहीं करती जी, किशोरी जी कृपा नहीं करती, क्या फिर भी राधा नाम का भजन करोगे, करोगे करोगे तो बोलो राधे राधे, राधे राधे, फिर बोलो राधे राधे, राधे राधे।
पूज्य महाराज जी ने कहा कि बिहारी जी कृपा करते हैं इसमें कोई संदेह नहीं, राधा रानी कृपा नहीं करती इसमें भी कोई संदेह नहीं। तो पूछा फिर श्री जी क्या करती हैं, कहा जो बिहारी जी नहीं कर सकते वो श्री जी करती हैं। क्या करती हैं जी? कहा बिहारी जी तो मात्र कृपा करते हैं लेकिन लाडली जी तो कृपा बरसाती हैं, बरसाती हैं, तभी तो संसार जयघोष लगाता है। आप भी बोलो, बोले बरसाने वाली की जय हो। जब जब चरण धरो धरती पे तब तब बजा करूं मैं, जब जब चरण धरो धरती पे तब तब बजा करूं मैं, झनकारों से मिल करके ही उनमें जड़ा रहूं मैं, झनकारों से मिल करके उनमें जड़ा रहूं मैं। सब रसिक चाहते हैं गुरुदेव की इस पंक्ति के साथ, हमको अपने गुरु भाई की एक पंक्ति याद आ रही है, हमारे शिवपराग भैया बड़ी सुंदर पंक्ति गाते, वो नूपुर ही बनू तेरी पायल का छमछम के साथ मिला लो मुझे, मैं शोभा बनू कर कमलों की तुम मेहंदी बना के रचा लो मुझे, तेरे चरणों की सेवा सदा मैं करूं तुम महावर बना के रचा लो मुझे, छाया कर दूं तेरे मुखड़े पे आंचल का सितारा बना लो मुझे, नूपुर ही बनूं तेरी पायल का छमछम के साथ मिला लो मुझे। कौन ऐसा होगा जो श्री जी के चरणों को छोड़ कर के कहीं और अन्यत्र जाने की कल्पना भी करता होगा। किशोरी जी के चरणों तक जिसकी पहुंच पहुंच गई, संत जनों की कृपा से, गुरु जनों की कृपा से, वैष्णव जनों की कृपा से, जिसने बरसाने की पहली सीढ़ी का दर्शन कर लिया, फिर उसको कहीं और जाने की इच्छा जागृत नहीं होती। ऐसा ऐसा भाव रसिकों के मुख से सुना है कि बरसाने की सीढ़ियों पर जो ये ग्रिल लग गई है जिसको पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं, रसिकों ने तो उस ग्रिल को भी राधा रानी की सुंदर बाहा का स्वरूप धारण करा दिया जी। उन्होंने कहा ये केवल ग्रिल नहीं है, ये केवल पकड़ के ऊपर चढ़ने का साधन नहीं है, ये ग्रिल के रूप में साक्षात किशोरी जी के करकंज है, कर कमल हैं, जो आश्रय देकर के महलों तक पहुंचाती। हमारी अपनी बात है हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं, लेकिन हम निश्चित बात से इस बात को पक्का कहें, जिसके जीवन में संत की कृपा हो जाती है उसके जीवन में फिर सहज भगवंत कृपा हो जाती है, जिसके जीवन में गुरु की कृपा हो जाती है उसके जीवन में सहज हरि की कृपा हो जाती है। ये संत कोई सामान्य नहीं, इनको हम मनुष्य बुद्धि से देखें, नर बुद्धि से देखें तो हमारी मूर्खता है, हमारी अल्पज्ञता है, नहीं तो शास्त्र कहता है, श्री गोविंद कहते हैं कि इन संतों के रूप में ही मैं कलयुग के जीवों को प्राप्त हो रहा हूँ। आपके गुरु ही आपको बिहारी जी के रूप में मिले हैं, ये संत ही आपको श्री ठाकुर जी के रूप में मिले हैं। जब जब संतों के चरणों का सानिध्य मिले तो इन्हीं में प्रिया प्रीतम को निहारते हुए प्रार्थना कर लिया करो, तभी सिफारिश वहां पहुंचेगी और हमारी बात बनेगी। इसलिए दोनों हाथ उठाओ, संत चरणों में बैठे हो, युगल सरकार के चरणों में बैठे हो, रसिक जन इधर उधर बैठे हैं आपके, तो प्रार्थना स्वीकार होने में देर नहीं लगेगी। जरा दोनों हाथ उठाकर एक बार कहो, जब जब चरण धरो धरती पे तब तब बजा करूं मैं, जब जब चरण धरो धरती पे तब तब बजा करूं मैं, झनकारों से मिल करके ही उनमें जड़ा रहूं मैं, झनकारों से मिल करके ही उनमें जड़ा रहूं मैं, हो ताल सुर से चलो तो संभालो मुझे, ताल सुर से चलो तो संभालो मुझे, हे ताल सुर से चलो तो संभालो मुझे, ताल सुर से चलो तो संभालो।
अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, 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 हो चरणों से क्षमा लिपटा लो मुझे, चरणों से क्षमा लिपटा लो मुझे, हे चरणों से राधे लिपटा लो मुझे, लिपटा लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना 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 लो। बोलो बरसाने वारी की चरणों में बंध कर मेरी किस्मत जाग उठेगी, इन चरणों में बंध कर मेरी किस्मत जाग उठेगी, इन चरणों में बंध कर मेरी किस्मत जाग उठेगी, लिपटा रहूं पागल बन करके मन की कली खिलेगी, लिपटा रहूं पागल बन करके मन की कली खिलेगी, लिपटा रहूं पागल बन करके मन की कली खिलेगी, वो झूठी दुनिया से अब तो बचा लो मुझे, 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 अपनी पायल का घुंघरू बना 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 लो मुझे, वो कैसे भी क्षमा अपना लो मुझे, कैसे भी क्षमा अपना लो मुझे, अपना लो मुझे, कैसे भी क्षमा अपना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, हो अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, 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 अपनी पायल का घुंघरू मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, हे करुणामयी जिन सदगुरुदेव के कृपा प्रसाद को हम आप सबके मध्य वितरित कर रहे हैं, ऐसे अनंत श्री संपन्न जय नित्य निकुंज रस उपासी धाम निष्ठ नाम निष्ठ संत सेवा निष्ठ श्री श्री 1008 सदा विराजमान श्री सदगुरुदेव भगवान, जिन्हें समस्त वैष्णव जन भक्त जन संत जन बाबा श्री रसिका पागल जी महाराज के नाम से जानता है जय, उन्हीं का कृपा प्रसाद हम आप सबके मध्य में वितरित कर रहे हैं, उन्हीं की वाणी का
यह प्रसाद आप सबको हम बांट रहे हैं, इसलिए मौन मत रहिएगा। ऐसे धामनिष्ठ नामनिष्ठ संत की इस रसिद्ध वाणी का आश्रय लीजिएगा। दोनों भुजा उठाइए और पुकारिए, हे करुणामयी, करुणामयी हो कृपा, फिर भिक्षा दीजिए। सभी बोलिए श्री हरिदास, श्री हरिदास, जोर से बोलो श्री हरिदास, श्री हरिदास, फिर बोलो श्री हरिदास, श्री हरिदास।